ये पहाड़ी का वो एरिया है जहाँ से अभी हम उतर के आए थे नीचे, टॉप पार्ट से नीचे उतर के, और आपको नॉर्थ साइड की टंकी के बारे में बताया था। तो अब हम वापस नीचे की तरफ उतर रहे हैं और बाहर जाते हैं, और आप देख सकते हैं इस समय बारिश के मौसम में कितना बढ़िया सुहाना सा मौसम है, कितने सारे बादल हैं। और जब पहाड़ी के मिड से जब आगे बढ़ते हैं तो ये एरिया आता है पांडा गार्डन। इस एरिया का नाम पांडा गार्डन इसलिए है क्योंकि हमारे एक बहुत ही होनहार बाहुबली मिस्टर ब्रिजेश पांडा ने इस पूरे एरिया को अकेले कवर किया है। ये काफ़ी बड़ा एरिया है जो उन्होंने अकेले कवर किया हुआ है। हम सब लोग इस हिल में लगभग 40 लोग रेगुलरली एक्टिव रहते हैं। कोरोना की वजह से थोड़ा सा लोग अभी डिले कर रहे हैं, नहीं आ पाते हैं, लेकिन फिर भी 40 लोग रेगुलरली एक्टिव रहते हैं। और उनके अलावा जो रेगुलर नहीं आ पाते और सबको मिला करके जो इस टीम से जुड़े हुए हैं, लगभग 400 लोग हैं जो टाइम टू टाइम आकर के हेल्प कर सकते हैं। ये देखिए आंवले का पेड़, इस पहाड़ी में आंवले, अजवाइन, तुलसी, आम, नींबू, अंजीर, ये बहुत सारे फलों के आपको पेड़ भी देखने को मिलेंगे। अमरूद, इमली, मीठी इमली। एक और इंसेक्ट हम आपको दिखाएंगे, ये है रेड वेलवेट, जो बारिश के सीज़न में ही दिखता है। ये यूं तो हम नहीं पहुंचाता है लेकिन ये इसी पहाड़ी की शोभा बढ़ा रहा है। ये देखने में बहुत खूबसूरत है, कैमरे से आपको शायद उतना अच्छा ना दिखे लेकिन आप खुद की आंखों से जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये देख के।